नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आप देख भी रहे हैं कि हरा हरा धनिया है, तो धनिए से रिलेटेड ही आज की वीडियो है और ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। लेकिन इससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। वीडियो अगर बहुत इंपॉर्टेंट लगे तो इसको शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स में। तो देखिए, हम आज देखेंगे कि आप एक बार ख़रीदा हुआ धनिया 10 से 15 दिन तक किस तरह से फ्रेश रख सकते हैं। तो हम क्या करते हैं कि जब हम धनिया का एक पूरा बंडल ख़रीदते हैं तो वो धनिया हम एक या दो टाइम या दो बार यूज़ कर पाते हैं, बाकी वो ख़राब हो जाता है और हमें मजबूरी में फेंकना पड़ता है। लेकिन अब ऐसा नहीं करना है आपको। आपको क्या करना है, इस तरीके से जैसे मैं कर रही हूँ, आपको धनिए की पेटल्स और आपको लगता है कि आपको चटनी बनानी है तो थोड़ा सा आप उसका स्टेम पार्ट भी ले लीजिए। जिस तरीके से आप उसको अलग करती हैं, इस तरीके से देखिए, मैंने इसको अपने हिसाब से अलग कर लिया है, पेटल्स अलग कर दिए और जो ख़राब था पूरा निकाल दिया। अब मैंने लिया एक एयर टाइट कंटेनर, किसी भी तरह का एयर टाइट कंटेनर आप ले सकती हैं। एयर टाइट कंटेनर में अपने ये टिश्यू पेपर हैं, मेरे पास पतला है थोड़ा टिश्यू पेपर, तो मैंने दो यूज़ किए हैं। और आप एक न्यूज़पेपर की लेयर भी यूज़ कर सकते हैं, एक टिश्यू पेपर की लेयर यूज़ कीजिए। टिश्यू पेपर करेंगे तो अच्छा है, खाली न्यूज़पेपर भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन टिश्यू आई विल प्रेफर टिश्यू पेपर। तो इस तरीके से नीचे अच्छे से उसको बिछा के कवर करके उसके अंदर धनिया को रख देना है। ध्यान रखिए, धनिया को धोना नहीं है आपको, जैसा धनिया आपने पेटल्स निकाली थी आपको ऐसे ही रखना है उसको। और इस तरीके से उसको अच्छे से कवर करके नीचे से धनिया रख के ऊपर से भी टिश्यू पेपर इस तरीके से कवर कर देना है कि धनिया कहीं से भी ना दिखे। तो अब इसे आप जो इसका एयरटाइट लिड है उसको लगाइए और फ्रिज में रख दीजिए। आप विश्वास नहीं करेंगे कि आपका ये धनिया फ्रेश रहेगा। आपको लगता है कि ऊपर वाला टिश्यू पेपर गीला हो गया है, नीचे वाला भी गीला हो गया होगा, तो आप उसे चेंज करते रहिए और इस तरीके से आप धनिया यूज़ कर सकते हैं। आप देख भी रहे हैं, एक हफ्ते बाद यहाँ पे मैंने एक हफ्ते तक इस धनिया को मैं चला रही हूँ, थोड़ा थोड़ा ले लेती हूँ जब ज़रूरत पड़ती है। बाकी देखिए, धनिया जो टिश्यू पेपर था वो दिख भी रहा आपको, गीला हो गया है क्योंकि इसने जितना भी इसका वाटर था, जिसकी वाटर की प्रेजेंस में चीज़ें ख़राब होती हैं, तो वाटर को एब्जॉर्ब कर लिया है। और धनिया एक हफ्ते बाद भी आप देखिए, मैं इसको निकाल के दिखाती हूँ, बिल्कुल फ्रेश धनिया है। इसमें से मैं थोड़ा सा अलग भी कर रही हूँ क्योंकि मुझे अभी भी सब्ज़ी में डालना है, तो मैंने थोड़ा सा अलग कर लिया। और ये धनिया बिल्कुल इस तरह से फ्रेश है, तो देखिए बिल्कुल फ्रेश धनिया। और ये टिश्यू पेपर भी आप देख पा रही हैं, टिश्यू पेपर बिल्कुल गीला सा हो गया है नीचे का। देखिए, नीचे का टिश्यू पेपर मैं आपको अच्छे से दिखा देती हूँ, नीचे का भी बिल्कुल गीला हो चुका है। अब मैं क्या करूँगी, मैं दोबारा से टिश्यू पेपर चेंज कर दूँगी, नीचे फिर से एक टिश्यू पेपर लगा दूँगी। आप न्यूज़पेपर यूज़ कर सकती हैं, पहले इसको अच्छे से ड्राई कर लीजिए, क्योंकि ये एक हफ्ते तक या दो दिन तक जब भी फ्रिज में रहता है तो मॉइस्चर आ जाता है अंदर बाहर, और एक जो टिश्यू पेपर है वो गीला भी हो जाता है क्योंकि ये पानी जितना भी इसके अंदर होता है उसको सोख लेता है एक्स्ट्रा वाटर को टिश्यू पेपर। तो आप इसे दोबारा से टिश्यू पेपर इस पर कवर कीजिए। ये तो मैंने कुछ सूखा हुआ पार्ट था वो आपके सामने थोड़ा सा निकाल लिया है, मैंने सोचा वेस्ट ना हो, इसको नीचे रख दिया है इस तरीके से। और फिर से एक टिश्यू पेपर की लेयर लगाई है, और टिश्यू पेपर की लेयर लगाने के बाद मैंने सेम उसी तरीके से दोबारा से टिश्यू इसको धनिए को कवर कर दिया है। और फिर से मैंने इस एयर टाइट कंटेनर के अंदर इसको बंद किया और आराम से फ्रिज के अंदर रख दिया। और फ्रेंड्स, ये मैं एक हफ्ते के बाद का फीडबैक दिखा रही हूँ। मैंने ये धनिया 15 दिन तक यूज़ किया था क्योंकि बहुत ज़्यादा सब्ज़ी हमारे बनती नहीं है, दो तीन मेंबर्स हैं हम, तो 15 दिन तक मैं धनिया यूज़ करती रही। थोड़ा थोड़ा धनिया मैंने डाला, तो सेम उसी पैटर्न से मैंने इसको देखिए दोबारा से इसको लॉक कर दिया है। तो आई होप फ्रेंड्स, आपको वीडियो अच्छी लगेगी। तो फिर से मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है और हमारी होम मेकर्स के लिए तो बेस्ट वीडियो है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ ग्रेट डे, हैव अ गुड डे एंड टेक केयर ऑफ यू।